हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोग टाइटल पढ़ के आए हो कि 3M की जो ये क्रीम वैक्स है वो अच्छी है कि नहीं है, तो मैंने अभी अमेजोन से मंगाई है 471 रुपीस की। तो अभी इस गाड़ी पे अप्लाई करेंगे, इधर ही अप्लाई करेंगे, फिर देखते हैं कि इन दोनों गेट में क्या डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी अप्लाई करते हैं। देखो स्पॉन्ज आया है, उसके साथ स्पॉन्ज पे लगा के करनी है। हाथों से भी कर सकते हो, मशीन से भी कर सकते हो। अगर मशीन हो तो मशीन से बेटर रहेगा, हाथों से अगर करेंगे आज तो। और फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या सिस्टम रहता है इसका। तो एक बार इसको अप्लाई करते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट रिव्यू। तो गाइज़ एक बार मैंने इसको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से पोंछ दिया। अब देखो इस पर मैंने वैक्स किए, इस पर नहीं किए, फिर भी कैमरा में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं काम करता हूँ, एक बार पहले बोनेट पे करता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। क्योंकि इसका टेक्सचर तो स्मूथ हो गया टच करने से, लेकिन ऐसा ग्लॉस कैमरा पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एक बार बोनेट पे ट्राई करते, फिर मैं मतलब धूप में निकालूंगा तो आपको बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा। तो बोनेट पे एक बार आधा ही बोनेट करता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि अपन को कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। तो एक बार बोनेट पे करते हैं। तो गाइज़ एक बार बोनेट को क्लीन कर देते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि सोप से तो मैंने धुलवा दी, मतलब जो इनका शैम्पू आता है कार शैम्पू, अभी तो वॉश करवा के लाया हूँ, फिर भी एक बार धो लेते हैं, उसके बाद ही वैक्स को अप्लाई करेंगे। तो ये हाफ जो जगह है मैं वहाँ तक ही करूँगा इसको अप्लाई, उसके बाद देखते हैं कि क्रीम वैक्स लगाने के बाद क्या फ़र्क आता है कि नहीं आता है। एक बार मैं इसको पहुँच देता हूँ पूरी अच्छी तरीके से, फिर अब क्रीम वैक्स अप्लाई करूँगा मैं। तो गाइज एक बार अपन ने इस पर वैक्स लगा दिया, 5 मिनट तक रख दिया। अब माइक्रोफाइबर से मैं पहुंच लेता हूं इसको, ये आधा इतना ही था। इसको पहुंचने के बाद देखते हैं, अभी आपको दिख रहे होंगे निशान भली, इसको पहुंच देते हैं पूरा। तो गाइज देखो आंखों से मैं देख रहा हूं तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा इसमें, बस ये टेक्स्चर जो है वो स्मूथ हो गया गाड़ी का। मतलब अब इसमें पानी छिड़क के देख लेते एक बार पानी का क्या सिस्टम रहता दोनों तरफ, फिर देखते काम का है कि नहीं। तो गाइस देखो ये तो वैक्स पोची वो वाला माइक्रोफाइबर है, ये है वही गीला है, उसमें पानी फेंक के देखते हैं, और एक बार उधर फेंक के देखते हैं। तो भी वो कुछ साफ़ कर रहा हूँ तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई हाइड्रोफोबिक ने फिलिक बन रहा हो, बन तो दोनों तरफ सेम ही रहा है, ऐसा कुछ पानी एकदम से नीचे गिर रहा ना, इसका गिर रहा है क्या? हल्का सा तो फर्क आया, देख पानी निकल रहा है बराबर, पानी इकट्ठा हो रहा है वहाँ पे, बाकी इसमें मैं ज़्यादा फेर रहा हूँ तो देख पानी नहीं टिक रहा है इसमें, पानी टिक रहा है उस पर, बस पानी नहीं टिक रहा है, बाकी कोई ऐसा ग्लॉस तो नहीं आ रहा, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी वॉश्ड है और मैंने ऑलरेडी इस पर एक बार एक साल पहले सिरेमिक कोटिंग करवाई थी तो उसका असर भी इसलिए। बाकी हाँ पानी के हिसाब से जो होता है हाइड्रोफोबिक वगैरह वो तो फटाफट हो रहा है। अब डस्ट वस्ट का भी मैं आपको बाद में रिव्यू दे पाऊंगा कि डस्ट का क्या सीन रहता है इसमें, बाकी पानी का तो सही रह रहा है, क्योंकि पानी इसमें तो चिपक रहा है और उसमें आराम से निकल रहा है, इजीली निकल रहा है। गाइस पानी के हिसाब से थोड़ी तो बेनिफिशियल, पर हाँ अगर आपका बजट ज़्यादा हो तो टर्टल वैक्स वगैरह इनकी जो आती है सिरेमिक कोटिंग वो ट्राई कर सकते हो आप। बाकी 3M की अच्छी तो थी है, इतना कोई इशू मेरे को लगा नहीं। एक बार मैं पूरी गाड़ी पे करूँगा, उसके बाद लास्ट में एक बार और रिव्यू दे दूँगा। लेकिन आपने खुद ने देख लिया, ऐसा कुछ ग्लॉस का फ़र्क तो नहीं दिख रहा था, बस पानी का फ़र्क दिख रहा था जो अभी भी दिख रहा है इसमें, तो कोई इश्यू नहीं है। तो गाइस अगर अच्छा लगा हो वीडियो अभी तक के लिए तो लाइक करना। तो गाइस देखो अभी पूरी गाड़ी पे कर दिया तो ऐसा कुछ फ़र्क आया है नहीं ग्लोव का, मैं आपको पूरी गाड़ी पे दिखा दूंगा बहुत देर तक रखा, बस पानी नहीं टिक रहा है, बाकी सब सही चल रहा है इसमें। बाकी मतलब ग्लोव तो पहले जैसा था, ये शायद सिरेमिक कोटिंग की वजह से हो सकता है, लेकिन हाँ टेक्सचर स्मूथ हो गया बहुत ज़्यादा, मैं कोई कपड़ा फेर रहे तो बहुत जल्दी हो रहा है। तो मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ आप लोगों को, बस ये टेक्सचर स्मूथ हो गया, ग्लोव फिनिश मिली है,
मतलब ऐसा कुछ फिनिश ऐसा दिख नहीं रहे, लेकिन गाड़ी ऐसी वॉश के बाद भी ऐसी दिख रही थी, बस हल्का सी ग्लॉस आई है, बाकी बढ़िया है। अगर 471 रुपीज़ में पानी वगैरह डस्ट वगैरह तो नहीं चिपक रही है, ये तो मैंने धूल मिट्टी डाल के देख ली इसके ऊपर भी, और नॉर्मली अपन वो करते क्या कहते हैं पानी डाल के तो आपको दिखाई दिया था, तो ये नॉर्मल अच्छा फिनिश आ गया है, तो लेना चाहो तो ले सकते हो, ऐसा कोई पेड रिव्यू नहीं था, आपके ऊपर है वो तो।